नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के हमारे मेहमान हैं श्री आलोक जी। वे उज्जैन के रहने वाले हैं, महाकाल की धरती जैसे आप सभी जानते हैं। और आलोक जी जो हैं, उनके विषय में आपको बता दूं, आपने जो है अपनी योग की जो साधना है, जो शिक्षा दीक्षा है, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा से की है, जिसको हम मुंगेर योग विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। धन्यवाद अभिषेक भाई। और आलोक जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहूँगा कि मुंगेर का जो माहौल था, जो यात्रा रही आपकी, वो कैसी रही, थोड़ा विस्तार से बताएं। मुंगेर की यात्रा बहुत ही खूबसूरत थी जी, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला जी, जो कि हमें मतलब बाहर अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं जी जी, वो चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती नहीं मिल पाती जी। वो चीज़ जो है मुंगेर आश्रम में सीखने को मिली, आश्रम लाइफ जीने का मौका मिला जी। और किस तरीके से योग सिखाना चाहिए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना चाहिए, वो चीज़ सीखने को मिली। बिल्कुल सात्विक लाइफ आपने वहाँ जा करके जी, मतलब सुख सुविधाओं से हट करके कैसे एक सिंपल जीवन, जो सादा जीवन, उच्च विचार की हम बात करते हैं, वो आपने वहाँ जी, बहुत बहुत अच्छा ये अनुभव रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा क्या शेड्यूल रहता था वहाँ पर आपका, पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती थी? देखिए, शेड्यूल ऐसा रहता था, मॉर्निंग में 5 o'clock क्लास स्टार्ट होती जी जी जी, 6:30 तक। तो आप 5 बजे क्लास में पहुँच जाते थे एवरीवन, तो 4 बजे उठते होंगे, यानी कि बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था दोस्तों। आप देखिए कितना मुश्किल होता है ये थोड़ा जी, मतलब सभी बच्चे, अच्छा जितने भी लोग थे बिल्कुल, वो सब लोग टाइम पे पहुंच जाते ठीक थे। है, उसके बाद होता था 6:30 तक क्लास चलती थी जी, उसके बाद नाश्ता होता था, नाश्ता के बाद कर्मयोग चलता था। देखिए, कर्मयोग का मतलब है आपको सेवा करनी है वहाँ पे, ठीक कह रहा हूँ ना मैं आलोक जी? मतलब आपको गौशाला में सेवा करनी है, या आपको हो सकता है एक परिसर की सफाई करने के लिए बोला जाए, और आपको ये काम करना होता है वहाँ पर। क्योंकि सेवा हिंदू धर्म या सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कहा जाता है चित्त की शुद्धि होती है जैसे। जी बिल्कुल, कर्मयोग है, कर्मयोग है। फिर 10:30 पे लगभग समथिंग, अच्छा आपका 45 मिनट समथिंग, अच्छा नाश्ता जी जी जी, उसके बाद 7:30 बजे लगभग फिर आपका स्टार्ट हो जाता है जी जी, 10:30 बजे तक, अच्छा फिर 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ, बहुत सुंदर, 11 से 12 बजे तक 1 घंटा लगभग चलता है। फिर उसके बाद भोजन, अच्छा भोजन के बाद फिर भोजन में भी आपको सेवा लगती है, अच्छा शेड्यूल वाइज मतलब जी 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 जी। और फिर उसके बाद आपका 1 घंटे का रेस्ट, अच्छा 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर योग निद्रा, अच्छा वो भी 1.5 घंटे, मतलब 2 बजे से 3:30 बजे तक, अच्छा फिर उसके बाद वहाँ से फिर कर्मयोग, फिर सेवा, फिर 5 बजे तक कर्मयोग, और फिर उसके बाद आपका भोजन, मतलब आपको सूरज के अनुसार काम करना है। बिल्कुल, सूरज उग रहा है तो उस समय आपका योगाभ्यास खत्म हो जाएगा, मतलब 6:30 पे लगभग जी जी जी। और उसके बाद फिर आप नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद जैसे ही दोपहर दिन का जो मेन जिस समय सूरज सर पे होता है उस समय आप भोजन करेंगे, और जैसे सूरज डूबने वाला है उस समय आपका डिनर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना है, फिर उसके बाद आपका जो है कीर्तन वगैरह, कीर्तन होगा, और फिर उसके बाद मुश्किल से 7:30 और 7:08 जी जी समथिंग फिर आप सोने के लिए। बिल्कुल, तो एक आश्रम में रहना एक पूरी तरह से अलग लाइफस्टाइल होता है वहाँ पे, एंड पूरा आप देखते हैं किस तरह से आपका जो आदतें हैं वो आश्रम की दिनचर्या में ढल जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आप एक ऐसा, क्या लर्निंग आपकी वहाँ से रही मुंगेर से, जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव लेके आया जिसने? हाँ, ये चीज़ है कि जैसे हम लोग योग की कोई भी साधना करते हैं जी, तो उसमें क्या रहता है कि हम अपने आप को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं जी। जैसे कि अलग अलग लोग हैं तो उनका अलग अलग लाइफ में अलग अलग पर्पस है। Correct. माना कि अगर वो योग साधना भी कर रहे हैं तो भी उनका कुछ अलग पर्पस है। बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, जैसे योग निद्रा है, उसमें संकल्प के द्वारा अपने गोल को अचीव करना। जी जी जी, स्वामी निरंजानंद जी ने कहा कि जो आप संकल्प योग निद्रा में लेते हो वो 100% है कि वो
पूर्ण पूर्ण होता है, होता ही होता, होता है, ही है, है ना। तो जिसने उस चीज़ को समझा। दूसरा चीज़ ये है कि बाहर से आप कहते हैं कि बाहर से क्या चीज़ अलग है, तो एक चीज़ तो ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब 1959 में समथिंग 59 शुरू हुआ था, जो वहाँ पे आपके साथ में जो लोग सेवा कराते हैं वो लोग भी सन्यासी हैं, वो लोग भी 20-20 साल से वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उन लोगों के भी अलग अलग अनुभव हैं। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे आप सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपके मन में भी अलग अलग सवाल उठते हैं। जैसा कि अभिषेक जी आपने बताया कि चित्त की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि कैसे होती है कि जैसे अभी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो एक नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चीज़ मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपको किसी और संस्थान में सीखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, जो प्रैक्टिकल अनुभव है योग के विषय का, बिल्कुल, वो ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मतलब और संस्थानों में क्या है कि जो हम पढ़ते हैं या जो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो तो आप सब जगह पढ़ लोगे, बार बार वही पढ़ाया जाता है आपको, हाँ, लेकिन वो कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे लाइफ पे, वो नहीं होता, वो नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा, आपकी बातों को सुन करके मैं प्रभावित हो रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं ज़रूर, मुझे मौका मिले तो मैं जाऊँ। अच्छा, एक मैं लास्ट आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, जो योग साधक बाहर हैं, जो अलग अलग संस्थानों में हैं, जो या योग क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, जो युवा वर्ग है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा, मतलब बहुत ही क्रिस्प संदेश क्या होगा आपका कि आप ये चीज़ करें या इस तरह से योग साधना में आएँ, क्या संदेश रहेगा आपका? मतलब मैं तो ये कहूँगा कि नेगेटिविटी, आप अगर किसी भी चीज़ को देखोगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज़ है। बिल्कुल। और आपको ये भी पता होगा कि इस संसार की कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो योग के साधकों को पॉजिटिव साइड को देखते हुए अपनी साधना को और अपने आप को उस तरफ ले जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही आलोक जी ने यहाँ पे, कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह पॉजिटिविटी है, आपने उस पॉजिटिव को लेना है, नेगेटिव से दूर रहना है और उस चीज़ में आगे बढ़ना है। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद अभिषेक भाई, आप हमारे साथ इतनी अच्छी बातों को शेयर किया आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल, और आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और मैं आशा करता हूँ एक बार हम लोग कभी साथ में जाएँ ऐसा मुंगेर में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक भाई।